से लेके अभी तक, ये मोहतरमा जो मैं बात कर रहा हूँ शमशाद अख्तर साहिबा जो है, ये भी पहले मिनिस्टर रह चुकी है, वर्ल्ड बैंक में 10 साल काम कर चुकी है। अच्छा मुझे ये हैरत होता है, इनको मिनिस्टर वाले बनाने वाले कभी ये नहीं सोचते, ये जब पहले मिनिस्टर 4 चांद तो लगाए नहीं थे पाकिस्तान के, यही मोहतरमा जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के गई थी, आपको याद होगा, और इन्होंने कोई आपकी इकोनॉमी को उस वक्त कोई बूम नहीं किया था। चले आप इस मोहतरमा को उस वक्त दोबारा लेके आते हैं, तो भाई पिछले दफा जब ये आई थी तो इन्होंने जो है ना 4 चांद लगा दिए थे, महंगाई खत्म कर दी थी, पाकिस्तान की मईशत को है ना आसमान तक लेके गए, जनाब प्लीज आइए आप दोबारा मिनिस्टर बन जाए। अब ये मोहतरमा को जब लाते हैं, मैंने तो मनना भी नहीं था। अरे फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसे ही नहीं कहा था, ऐसे तो लोगों ने उसको पेश किया। अरे भाई आप लोगों को जो भी कह रही हैं इस तरह से पेश किया उस तरह से पेश किया की बात नहीं है, अवाम के मसले हल कर दीजिए। आप जो हैं वो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, महंगाई कम करने का फॉर्मूला लेके आ जाइए, आप जो है बिजली कीमतें कम करने का फॉर्मूला बताइए, आप जो है इकोनॉमिस्ट हैं आप बताइए कि चीजों की कीमतें कम कैसे हों। हम आपको इसलिए तो नहीं लाए कि आप बयान दें टीवी पे, बयान देने वाले तो टीवी एंकर बहुत है, बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं जो बड़े खूबसूरत तरीके से कह देती हैं, हमें तो इकोनॉमिस्ट चाहिए। इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिस्ट का मतलब है वो शख्स जो किसी भी इकोनॉमी को संभालता है, और जो वो अगेन मैं अंग्रेजी की एक बात कहूंगा, इकोनॉमिस्ट इज अ पर्सन हु मेक्स अ प्लान अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस गिवन टू हिम, यानी जो आप दे रहे होते हैं उसी के अंदर इकोनॉमिस्ट जो है एक प्लान बनाता है। अब इन मोहतरमा से कहा जाए कि जनाब आपने क्या प्लान बनाया, हर मिनिस्टर आके हमें यही कहानी देते, जनाब पिछली हुकूमत की वजह से मसला था, जनाब तो हमें भी पता है, पान वाले को भी पता है, आप हमें बताइए कि पिछली हुकूमत ने जो किया सो किया, आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए जब आप ये हमें बता देंगे कि आपने क्या करना है तो हमें तसल्ली होगी कि चलें जनाब ये जो भी स्टेप्स ले रहे हैं 3 महीने बाद बेहतर हो जाएंगे। इनके पास तो कोई वो ही नहीं है फॉर्मूला, पिछली दफा भी यही होता। और ये मैं सबसे कहूंगा, मैं किसी इनका मोहतरमा तो फिर भी बेचारी इतना अरसे नहीं रुकी है, मैं तमाम उन मिनिस्टरों को कसूरवार ठहराऊंगा जो कि हमें बोलते गए कि जनाब मईशत बेहतर हो रही है, हो जाएगी, बेहतर हो रही है, हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या होता है? ये कहा जाता है IMF कहा है, अरे भाई अगर आपको मुल्क डिक्टेशन IMF ही दे रहा है तो आप जो है मेरे ख्याल से जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर IMF को ही बना दे, IMF को कहे भाई ये मिनिस्ट्री हमने आपको दी। सिलसिला कहां जा रहा है? हम लोग आपस में एक दूसरे को गंदा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बिजली की बिलें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, दवाइयां महंगी हो रही है, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल आप देखिए मार्केट में काम नहीं हो रहा और फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है। तो मुझे ये बताइए कि अगर चले मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि IMF बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, तो भाई उसके असरात क्यों नहीं आ रहे अच्छे? अगर हम सारी उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं तो कम से कम हमारी मईशत को तो अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है अच्छे, या उनके इरादे हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये तो अल्लाह को बेहतर पता। पर मैं ये देख रहा हूँ अगर इरादे अच्छे हैं तो फिर उनके पास अच्छा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हम IMF की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो इमरान खान के दौर से शुरू किया हमने। तो आज अगर 5 साल 6 साल हम उन टेंशन पे जा रहे हैं, फ्री फ्लोट एक्सचेंज उनके मुताबिक हमने शुरू किया इमरान खान साहब के दौर में, तो चले जी डॉलर को मादर पे आजाद छोड़ दे, तो हमने 110 रुपए से 300 रुपए तक डॉलर को लेके गए। तो क्या ये IMF चाहती थी 300 रुपए पे ले जाके पाकिस्तान को तबाह करना, या उनका फॉर्मूला गलत था और नादानी में हो सकता है कि गलती से उन्होंने गलत फॉर्मूला अप्लाई किया, इस वजह से 300? दोनों में से एक होगा, या तो गलती हो गई जनाब हम तो हो गए। मगर ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मईशत खराब हुकूमत पाकिस्तान की वजह से, और अगर डॉलर ऊपर जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान की वजह से, तो फिर IMF की जो शरायत है वो क्यों नहीं कहा जाता कि इनकी शरायत की वजह से? देखिए हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, उनके उनके प्राइम मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स को बदनाम किया जाता है ताकि अवाम अपनी ही हुकूमत के दुश्मन हो जाए, और ये जो कि इंप्लीमेंट कराने वाले ये लोग जो है खामोशी से बैठे रहे। अवाम को ये सोचना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, ना ही हमारे मन है। देखिए हम जब ये मैं अभी आपको हम सब रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये रेडियो प्रोग्राम है ठीक है, जो कि कराची से लेके न्यूयॉर्क तक हमारी आवाजें जा रही है, तो सुनने वाले कम से कम ये इदारों से पूछें कि भाई ये जो कानून नाफिज कर रहे हैं, ये जो रूल्स बना रहे हैं IMF के, तो इन रूल्स का हमें क्या फायदा?
पाकिस्तान को क्या फायदा? जनाब वो कहते कर्जा दिया है। जनाब कर्जा दिया है तो क्या हम इंटरनेशनल लॉस को क्या भूल गए? क्या कर्जा देने वालों का मतलब यह है कि आप उनको पॉवर्टी के उस लेवल पे ले जाए जहां पे वो भूखे मर जाए? वेयर इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स? तो हमें क्या दुनिया में ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो पाकिस्तान के इकोनॉमी को बेहतर कर सके? क्या हमारे पास पाकिस्तान में इन 70 सालों में सिर्फ रीनोन जो इकोनॉमिस्ट है वही क्यों आते हैं? मुझसे आज किसी प्रोग्राम टीवी चैनल के प्रोग्राम ने कहा कि नदीम साहब आप एक नाम बता दें। मैंने कहा एक नहीं 100 नाम है, बहुत हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है बेरोजगार होने की वजह से, उनको सही मानों में पैसे ना मिलने की वजह से वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं जहां पे वो अंडर पेड है। आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज से लाए। अच्छा आप उनको भी नहीं समझते तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त तकरीबन कई लोग तजिया का टीवी पे बैठे हुए हैं ना, आप उन सबको इकट्ठा करें, इस्लामाबाद बुलाइए, एक मीटिंग कॉल करें और उन तमाम तजियाकारों का हल बता दें, वरना आप टीवी पे आना छोड़ दें। देखिए आप तजियाकारों को भी नहीं बुलाते हैं, आप उनको इकोनॉमिस्ट को भी नहीं बुलाते हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं इकोनॉमी का, उनको भी नहीं। मगर आपके पास वही है फला पाशा फला शेख फला मोहतरमा फला ये फला वो फला ये, उसी की रोटेशन चलती रहती है। जनाब ये पीपल्स पार्टी का है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का है, ये पीटीआई का, और कई तो ऐसे लोग हैं जो हर पार्टी में गुजर चुके हैं। जैसे हफीज शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के भी मिनिस्टर रह चुके, पीपल्स पार्टी के भी रह चुके, इमरान खान के भी रह चुके, और अभी सुनने में आ रहा था कि अबूरी हुकूमत में भी आ रहे। मतलब व्हाट इज दिस? क्या आप उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे जो आपकी कंपनी में कभी कोई काम नहीं करते थे? नहीं, सिंपल एज दैट। एक नौकरी करके मेरी कंपनी को फायदा नहीं नुकसान दे गया, मैं उससे दोबारा उस ओहदे पे नहीं रखूंगा। तो ये तो मेरा मुल्क है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरी जान है, तो इसके लिए हम ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं? अच्छा चले इलेक्शन है, मजबूरी है, वोटर है, मगर जब हम बात कर रहे बुरी हुकूमत की उस समाचार ना, उसके अंदर तो ऐसे लोगों को चुना जाता जो ये कम से कम ना कहें कि जनाब महंगाई कभी हुई कहां है। उन साहब को, उन बाइज्जत, मैं बड़े एहतराम करता हूं अपने ओहदेदार लोगों की, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ होगा। तो सोचता हूँ कभी प्राइम मिनिस्टर साहब आप कटी पहाड़ी में जाके कभी रह चुके हैं, कभी औरंगी टाउन में रह चुके हैं, कभी नाजमाबाद में रह चुके हैं, कभी डिफेंस के उस घर में रहते हैं जहाँ पे उसने ईमानदारी से छोटा सा एक घर बनाया अपनी इज्जत महफूज करने को, वो रूखी सूखी खा के जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जो जॉब में होते हैं सफेद पोश लोग, कभी आपके साथ बैठे हैं उस सफेद पोश लोग जो लोगों को जो है अमीर नजर आते हैं मगर वो अपनी एक एक पैसे को बचा के अपनी इज्जत के साथ हलीम के साथ बैठे हुए काम कर रहे हैं और अपने घर की चार दीवारी में बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं? देखिए सबसे मुश्किल काम है उस शख्स का जो सफेद पोश आदमी है ना, उसको जिंदगी गुजारना। गरीब आदमी तो रोड पे आके भीख मांग लेगा मगर वो तो ना भीख मांग सकता है ना ही वो अपने इज्जत को कम कर सकता है। और यही जो खुदकुशियां करते हैं वो कौन करते हैं? यही तबके करते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम किसी से भीख नहीं मांग सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, माशरे में हमारी इज्जत है, हम बाहर निकलेंगे तो क्या? ये वो तबका है जो आपका तालीम याफ्ता तबका है, ये वो तबका है जिससे आप फायदा उठा के पाकिस्तान को चार चांद लगा सकते, मगर इस तबके को भी खत्म किया जा रहा है। मैं ये अगेन कहूंगा कि मुल्क के अंदर मईशत उस वक्त तक सही नहीं होगी जब तक के हमारे इदारों के अंदर सही मानों में कॉलर क्राइम्स हो रहे हैं उनको ना रोक। अब मैं आपको बताऊं व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है जो कभी पकड़ा नहीं जाता, जैसे ट्रिक के इदारे हो गए बहुत और बिजली के इदारे हो गए, आज तक आप कानूनी तौर पर कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती है जिसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाते कोर्ट में जाने के बाद भी। इसकी वजह यह है कि आपने उसको एक सिस्टम दे दिया है, आप उनको ओके दे देते हैं, आप उनके ऊपर देखिए जो वन साइडेड जो भी एग्रीमेंट्स होती है ना ममालिक में, उस एग्रीमेंट को बेशक साइन करने के बावजूद आप उसे कोर्ट में ले जाके नल एंड वाइट कर सकते हैं, यानी उसे कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अदालत में जाते हैं और कहते हैं जनाब
ये हमें बाय फोर्स और बाय सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए रहते हैं जिसकी वजह से ये वंस हुआ। हम चाहते हैं कि इसे या कैंसिल कर दिया जाए या बराबरी की इंसानी हुकूक के मुताबिक एग्रीमेंट किया जाए। क्या हम किसी कोर्ट में ऐसे गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में जहां पे हम जाके बता सके कि जनाब आईपीपीज ने जो हमारे साथ किया है वो हमें ब्लैकमेल करके किया है, करप्शन किया हमारे इदारों के साथ, हम इस आईपीपी के इन इन शरायत को नहीं मानते। हम जा सकते